हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आबिद अली अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैसे कैंडिडेट के बारे में जो कि जॉब को सर्च कर रहे हैं दिल्ली लोकेशन के लिए। दोस्तों, ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाने वाला हूँ वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि वैसे कैंडिडेट जो जॉब को सर्च कर रहे हैं दिल्ली लोकेशन में कॉल सेंटर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपको एलिजिबिलिटी है वो 12 कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 12 कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो बहुत सारी कंपनी हायर नहीं करती है दोस्ती, ठीक है। बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है कि आप ग्रेजुएट हैं प्लस एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगता है। जैसे मान लीजिए टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा की जो अभी हायरिंग चल रही है दोस्तों, वो ग्रेजुएट प्लस एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अगर आप ग्रेजुएट डिग्री हैं तो आपको एचआर को बोलना होगा कि सर मैं एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप करके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो रहा बात दिल्ली लोकेशन के लिए, तो दिल्ली लोकेशन में बहुत सारी ऐसी कॉल सेंटर की कंपनियां हैं जहां पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके पास 12 की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आपका ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप कॉन्टैक्ट मतलब किसी कस्टमर से बात करने में बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको एचआर चेक करता है दोस्तों, ठीक है। कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो एचआर चेक करता है कि कैंडिडेट जो है कंपनी को प्रॉफिट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर मैं इस कैंडिडेट को हायर कर लूँ अपनी कंपनी में तो ये कंपनी को प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता। अगर ये चीज़ वो समझ जाए कि हाँ ये बंदे में वो कैपेबिलिटी है जो कस्टमर के बातों को कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकता है किसी भी क्वेश्चन से के साथ या किसी भी आंसर के साथ, तो वो आपको हायर कर लेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये प्रिपरेशन करके जाना है कि जो भी एचआर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से जानकारी नॉलेज लेके आपको प्रिपरेशन करना होगा। 2 हफ्ते प्रिपरेशन कीजिए, 1 हफ्ते का प्रिपरेशन कीजिए, जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाइएगा तब आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू देने के लिए आपको 2 चीज़ की जरूरत होती है, पहला होता है कंपनी एड्रेस, दूसरा होता है आपका रेफरेंस आईडी। ये दोनों चीज़, कंपनी एड्रेस आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको गूगल कंपनी में इंटरव्यू देना है, दिल्ली के लिए मैं बात बता रहा हूँ, तो दिल्ली में गूगल कंपनी कहाँ है आप गूगल मैप के थ्रू देख सकते हैं। रही बात रेफरेंस आईडी के, तो रेफरेंस आईडी ऐसा आपका कोई दोस्त है जो गूगल कंपनी में जॉब कर रहा है, अगर नहीं भी है तो कोई ऐसा दोस्त होगा जो कोई भी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वहाँ उस रेफरेंस आईडी से भी आप गूगल कंपनी में जॉब दे सकते हैं, ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब इंटरव्यू देके जॉब ले सकते हैं, तो ये चीज़ सारा चीज़ बेनिफिट है। लेकिन ये चीज़ वही जानता है जो इम्प्लॉयज़ और कंपनी का, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताया कि ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली लोकेशन के लिए, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो आप फटाफट इसे अप्लाई कर ले। अप्लाई करने के मैंने 2 तरीका बताया, कंपनी एड्रेस और रेफरेंस आईडी, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी वीडियो में प्रॉब्लम मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कि सर मुझे वीडियो में ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जवाब को अवश्य रिप्लाई करूंगा दोस्तों, ठीक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था कि ये था दिल्ली लोकेशन के लिए वैसे कैंडिडेट जो जॉब को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोकेशन मतलब वो कैंडिडेट अपने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।